काम करना है, ऐसी यदि स्टैटिस्टिक्स बनानी है तो क्या क्लियर होना चाहिए? उद्देश्य, ऑब्जेक्ट या एम क्लियर होना चाहिए। इसे एम के अकॉर्डिंग मैंने आपको चार फेजेज बताए थे, चार चरण बताए थे कि पहले हमें जब भी स्टैटिस्टिक्स बनानी है तो हमारी स्टैटिस्टिक्स चार फेजेज से होके जाएगी, चार चरणों से होके जाएगी। जो चार चरण है, पहला चरण क्या बताया था? कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा, आंकड़ों का संकलन। दूसरा पॉइंट अपन ने डिस्कस किया, बताया था आपको ये फर्स्ट पेज। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। थर्ड पेज टेबुलेशन, सारणीकरण। और फोर्थ पॉइंट बताया था मैंने आपको एनालिसिस, दैट इज विश्लेषण। ये आपको चार फेजेज बताए थे मैंने स्टैटिस्टिक्स के, इन चार चरणों से स्टैटिस्टिक्स जाएगी। इन चार चरण के बेस पे ही अपन स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करेंगे। जो आपको पहला चरण, पहले चरण की आज हेडिंग लिखिए, फर्स्ट चरण ये बन, पहले चरण की हेडिंग लिखिए कलेक्शन ऑफ डेटा। हेडिंग डाल दीजिए पहला चरण अपना कलेक्शन ऑफ डेटा। आंकड़ों का संकलन, क्या करना है? आंकड़ों का संकलन। अब ये जो बात कर रहे हैं, जो आंकड़ों के संकलन की बात कर रहे हैं, तो हम कौन से डेटा का संकलन करेंगे, प्राइमरी या सेकेंडरी? भाई हमें जो कलेक्शन करना है, देखिए जो अपना सेकेंडरी डेटा है वो ऑलरेडी कलेक्टेड है, उसको हमें कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। हमें डेटा कलेक्शन की कौन से की जरूरत है? प्राइमरी डेटा कलेक्शन की जरूरत है, ये अपनी बात हुई है। तो इसका मतलब इस कलेक्शन में कौन से की बात करें, पहली बात क्या लिखें, इसमें प्राथमिक समंकों का संकलन किया जाता है। पहला पॉइंट लिखें इसमें, इसमें प्राथमिक समंकों का संकलन किया जाता है। वी कलेक्ट दी प्राइमरी डेटा, वी कलेक्ट दी प्राइमरी डेटा, इसमें प्राथमिक समंकों का संकलन किया जाता है। हाँ, इसका फर्स्ट पॉइंट आज कलेक्शन ऑफ डेटा की बात कर रहे हैं। हेडिंग लिख लें कलेक्शन ऑफ डेटा, और इसमें फर्स्ट पॉइंट, इसमें प्राथमिक समंकों का संकलन किया जाता है, वी कलेक्ट दी प्राइमरी डेटा। अब जो आपसे क्वेश्चन इस पॉइंट में पूछा जाता है कि जो कलेक्शन की बहुत सारी विधियां हैं, मेथड्स हैं, इस प्राइमरी डेटा को कलेक्शन के बहुत सारे मेथड्स हैं, तो ये मेथड्स लिखें, विधियां, कौन कौन सी विधियां हैं प्राइमरी डेटा को कलेक्शन करने की विधियां या मेथड्स। एक तो होता है डायरेक्ट मेथड, जिसको बोलते हैं हम प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या है कि हम जिस व्यक्ति की इंफॉर्मेशन लेनी है उसी व्यक्ति से हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। डायरेक्ट से मतलब जिससे मुझे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है उसी से ले रहा हूं, अन्य व्यक्ति से नहीं ले रहा उसकी इंफॉर्मेशन। तो इसकी कौन कौन सी, इनमें देखें तो इसमें लिखें पहला
पर्सन टू पर्सन, व्यक्ति से व्यक्ति, और इसी को हम बोलते हैं होम टू होम, घर घर जाके। यदि हम घर घर जाके सूचना एकत्रित करें या व्यक्ति से सूचना एकत्रित करें तो वो पहला मेथड। हमें जिस व्यक्ति की इंफॉर्मेशन लेनी है उसी व्यक्ति से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं डायरेक्ट, उसके घर जाके ले रहे हैं या उससे ले रहे हैं हम, पहला मेथड प्रत्यक्ष विधि। दूसरा मेथड, इसमें मुझे नहीं लगता किसी को डाउट होगा, घर घर जाके ले रहे हैं या उस व्यक्ति से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं डायरेक्ट। दूसरा मेथड करेस्पोंडेंस मेथड, इसको बोलते हैं पत्राचार विधि। करेस्पोंडेंस मेथड, देखिए करेस्पोंडेंस मेथड जो आपकी बुकों में या लिखा हुआ मिलेगा वो ऐसे लिखा हुआ मिलेगा कि जिस व्यक्ति की हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है उस व्यक्ति के लिए लेटर लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? लेटर। गवर्नमेंट सिस्टम में अभी भी चलता है कि मुझे जिस जगह की इंफॉर्मेशन चाहिए वहां मैं लेटर लिख के भेजता हूं कि ये मुझे सूचना आप उपलब्ध कराएं। पर आप इन जनरल वे में, अब ये बहुत मेथड कम हो गया है, इन जनरल अब क्या हो गया है, हमें सूचना चाहिए तो मेल से मिल लेते हैं। कैसे लेते हैं? मेल से। आपको सूचना चाहिए व्हाट्सएप पे, फटाफट गूगल से सर्च कर ली। अब हम पत्र लिखने का इंतजार नहीं करते कि हम पत्र लिखेंगे फिर सूचना कलेक्ट हो जाएगी। ऑफिशियल सिस्टम को छोड़ दूं तो इन ऑफिशियल सिस्टम में आजकल हम जो सूचना कलेक्ट करने के लिए बात कर, देखिए ऑफिशियल जो गवर्नमेंट सिस्टम है उसमें अभी भी पत्राचार से ही सूचना कलेक्ट करते हैं। वैसे इंटर, यदि आप कहें व्हाट्सएप, व्हाट्सएप ट्यूटर, इनसे जो सूचना इकट्ठी कर रहे हैं वो ले रहे हैं, वो कौन सी विधि है? पत्राचार की विधि। ट्यूटर एक टेलीफोन से भी ले रहे हैं हम सूचना, टेलीफोन से आप सूचना ले रहे हैं, उसी व्यक्ति को फोन कर रहे हैं जिससे मुझे सूचना चाहिए। तो एक तरह से प्रत्यक्ष मेथड है, अप्रत्यक्ष नहीं है। कैसा है? प्रत्यक्ष, फोन करके मैं सूचना ले रहा हूं उस व्यक्ति से ले रहा हूं, करेस्पोंडेंस का माध्यम है एक तरह से। तो ये सारी कैसे हैं? तो प्रत्यक्ष, पर आप उसी व्यक्ति से ले रहे हैं, पर किसका? ये प्रत्यक्ष विधि कहलाती है, इसको पत्राचार। पहले आपकी बुक में ऐसे लिखा हुआ मिलेगा कि जिस व्यक्ति की हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती थी उस व्यक्ति को लेटर लिखा जाता था, लेटर के साथ साथ उस पर टिकट भी खुद ही लगाते थे। क्या था? टिकट खुद क्यों लगाते थे? मुझे आज मेरे घर पे कोई इंफॉर्मेशन के लिए लेटर आए कि साहब आपके घर में कितने सदस्य हैं, आपके परिवार में कितने पढ़े लिखे हैं, आपके परिवार में कितने कमाने वाले हैं, आपके परिवार में कितने बच्चे हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन का डेटा लेने के लिए आए। तो मैं क्या 10 रुपये का टिकट लगा के उसको वापस भेजूंगा? क्या भेजूंगा या नहीं भेजूंगा? मुझे क्या करना? अरे यार इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो वो, इसीलिए जिससे इन्फॉर्मेशन लेती थी पहले ही टिकट लगा के भेजा जाता था जिससे कम वो वापस उसको सूचना तो दे सके। पर प्रेजेंट सीनियरों में ऐसी स्थिति शायद मैं नहीं सोचता किसी के यहाँ लेटर आया हो ऐसे कि आप ये सूचना भर के ये टिकट लगे हुए आए और वापस, क्योंकि अब इतना एडवांस हो गया कि अब इसकी जरूरत नहीं पड़ती। वो जाके ही या तो कहीं टेलीफोन से पूछ लेगा आपसे, या आपसे कहीं व्हाट्सएप पे ले लेगा आपके नंबर, या कहीं से ले लेगा, पर इस तरह के नहीं मिलेगा। तो किताब में तो अभी भी वही लिखा हुआ है पत्राचार्य का तरीका कि जिसकी से इन्फॉर्मेशन लेती थी उनको लेटर लिखे जाते थे और लेटर पर टिकट भी लगाए जाते थे। पर करेंट सिनेरियो में ये सिचुएशन नहीं है। करेंट सिनेरियो में ऐसी सिचुएशंस आपको जरूर देखने को मिलती हैं, लेटर वगैरह देखने को मिलते हैं। ये सब के क्लियर? ये भी कैसे मेथड है? डायरेक्ट, ये भी डायरेक्ट। तीसरा और चौथा जो मैं लिखा रहा हूं ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके पेपर्स में थर्ड एंड फोर्थ लिख रहा हूं, ये थर्ड है। मुझे जब मैं किसी से सूचना लेने जा रहा है, कोई भी इन्वेस्टिगेटर सूचना लेने जा रहा है हमारा, तो क्या वो सिर्फ एक परिवार में जाए
और उससे यही पूछ के आ जाए कि आपके घर में पढ़े लिखे कितने हैं। अभी मेरे घर पे कोई आया और पूछा कि सर हमें एक सर्वे कर रहे हैं कि हमारी लोकलिटी में कितने पढ़े लिखों का रेशो क्या है। ठीक है, उसने पूछा कि साहब आपके परिवार में कितने सदस्य हैं और कितने पढ़े लिखे हैं। मैंने जवाब दे दिया, हमें दूसरा सर्वे और करना है 2 दिन बाद कि लोग यहाँ के परिवार के लोगों की इनकम क्या है। फिर दूसरा जना आया और दूसरा जना आके फिर कहा साहब हम एक सर्वे कर रहे हैं और हम ये सर्वे कर रहे हैं घर घर जाके कि हमारे आपके परिवार में कितने लोग हैं जो कमाने वाले हैं। ठीक है, हमने उसको सूचना दे दी। 3 दिन बाद तीसरा लोग आए तो आप क्या कहेंगे, यार यही काम है क्या और हम पे कोई काम नहीं है क्या? तो इसलिए जब कभी भी सेम टाइप के सर्वे होते हैं तो उनको एक साथ ही कराया जाता है, ना कि बार बार। यदि हम बार बार जा रहा है इन्वेस्टिगेटर, एक तो इन्वेस्टिगेटर को भी टाइम लग रहा है, पैसा खर्च हो रहा है, पैसा खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा, एक क्या हो रहा है मैन पावर लग रही है, और एक जो सूचना देने वाला है वो बार बार परेशान हो रहा है। तो इसलिए जो इन सब जैसे एक टाइप के सर्वे हैं, हमें यदि सूचना एकत्रित करनी है तो एक साथ ही उसका एक क्वेश्चन बना ली जाता है, जिसको बोलते हैं क्वेश्चनेयर, प्रश्नावली बना ली जाती है, क्वेश्चन बना लिए जाते हैं। हमें क्वेश्चन बना लिए परिवार से पूछने वाले एक साथ। अब पहला क्वेश्चन आता है, इसमें कितने क्वेश्चंस होने चाहिए, कितने क्वेश्चंस होने चाहिए? मान लीजिए हम तो कहें कि साहब हमने 200 क्वेश्चन डाल दिए, यार जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप किसी के पास जाओगे, किसी से आप खुद को लेके देखिए कि आप 200 क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं किसी के घर पे। 200 क्वेश्चन ऐसा नहीं है, कम से कम 2 से 3 घंटे का टाइम तो चाहिए 200 क्वेश्चन पूछने के लिए। सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? सही है, जब 200 से 300 क्वेश्चन पूछोगे तो कोई आपको 2 से 3 घंटे का टाइम देगा क्या? अब दूसरा सोच लीजिए, आपके घर पे ही कोई आए सूचना लेने और आपसे 200 से 300 क्वेश्चनों की मांग करे पूछने की, तो आप जवाब देंगे क्या? बोले यार फुर्सत पे आना, अभी तो मेरे पास फुर्सत नहीं है, और वो फुर्सत मैं सोचता हूँ कभी मिलेगी नहीं, आपको भी नहीं मिलेगी। क्या मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब क्वेश्चन कितने होने चाहिए? आपने कहा 200 तो नहीं होने चाहिए, क्या 10 क्वेश्चन ही होने चाहिए? बस इतने कम क्वेश्चन होने चाहिए? कितने होने चाहिए? 25 से 30। और मान लीजिए 25 से 30 क्वेश्चन तो आपने दे दिए पर जो आपका पर्पज है वो पूरा नहीं हो रहा, तो सही है क्या भाई? जिस पर्पज से आप जा रहे हैं, आपने कहा 25 क्वेश्चन ले लिए और 25 क्वेश्चन पूछने के बाद भी जिस पर्पज के लिए जा रहे हैं वो पर्पज आपका पूरा नहीं हो रहा, तो क्या सही है जाना? सर्वे बेकार है। तो इसका मतलब कितने क्वेश्चन होने चाहिए, कोई लिमिट नहीं है। लिमिट आप ये भी नहीं कह सकते 5 ही क्वेश्चन होने चाहिए, और ये भी नहीं कह सकते कि 100 भी क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। कितने क्वेश्चन होने चाहिए? जो हमारे उद्देश्य को पूरा करे, जो हमारा जो सर्वे है, जो सर्वे या डेटा कलेक्शन का उद्देश्य है उसको पूरा करे, इतने क्वेश्चंस होने चाहिए। बहुत ज्यादा भी नहीं होने चाहिए और बहुत कम भी नहीं होने चाहिए। यदि आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चन बात की जाए आंसर्स की, तो अपन ये नहीं कह सकते कि इन जनरल आपसे कहा जाए कि 20 से 25 क्वेश्चन होने चाहिए, पर दूसरी कंडीशन ये भी अप्लाई होनी चाहिए कि वो हमारे जो उद्देश्य है उस डेटा कलेक्शन का उसको पूरा करना चाहिए। यदि उद्देश्य को पूरा नहीं कर रहा तो वो बेकार है हमारा डेटा कलेक्शन। बात के लिए अब हमने क्वेश्चन बना लिया, इस क्वेश्चन को हमने कहा क्वेश्चन बैंक या प्रश्नों। अब दो व्यक्ति हैं, एक तो होता है रेस्पोंडेंट, जिसको मैं नाम दे देता हूं सूचनादाता, और एक है आपका इन्वेस्टिगेटर जो डेटा आपका कलेक्शन कर रहा है। यदि आपको जो फॉर्म दिया, फॉर्म लेके गया, क्वेश्चन लेके गया, यदि इसके द्वारा भरे जाते हैं, वो क्या कर रहा है, सिर्फ घर पे गया और घर पे जाके उससे पूछ रहा है आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, तो लिख कौन रहा है, कौन लिख रहा है? इन्वेस्टिगेटर लिख रहा है। फॉर्म को कौन भर रहा है? इन्वेस्टिगेटर। तो इसको शेड्यूल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शेड्यूल, हिंदी में बोलते हैं अनुसूची। तो अनुसूची क्या है? अनुसूची इन्वेस्टिगेटर के द्वारा भरी जाती है।
अनुसूची क्या है? जो प्रश्नों की सूची है वो इन्वेस्टिगेटर के द्वारा भरी जाती है। ये आपके सूचना द्वारा जो सूची है वो किसके द्वारा भरी जाए? इन्वेस्टिगेटर गया और उसने जाके फॉर्म पकड़ा दिया जवाब देने वाले को कि सर ये फॉर्म भर के मुझे दे दीजिए, आप ये फॉर्म है इन क्वेश्चंस के जवाब मुझे लिख के दे दीजिए। तो इस केस में कौन भर रहा है फॉर्म? रेस्पोंडेंट, सूचनादाता भर रहा है। तो इसको क्या कहते हैं हम? क्वेश्चनेयर, प्रश्नावली। तो क्या डिफरेंस हुआ प्रश्नावली और अनुसूची में? क्या डिफरेंस हुआ? अनुसूची इन्वेस्टिगेटर के द्वारा भरी जाती है, जबकि प्रश्नावली किसके द्वारा भरी जाती है? रेस्पोंडेंट, सूचनादाता द्वारा भरी जाती है। ये क्वेश्चन, ये थर्ड एंड फोर्थ मेथड है। सी, अनुसूची, थर्ड लिखिए अनुसूची। इस दोनों पॉइंट्स में से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बार बार। कंप्यूटर के पेपर में भी दो क्वेश्चन आए थे इसमें से। लिखें अनुसूची, शेड्यूल। इसमें प्रश्नों की सूची इन्वेस्टिगेटर द्वारा भरी जाती है। इसमें प्रश्नों की सूची इन्वेस्टिगेटर द्वारा भरी जाती है। क्वेश्चनेयर फिल बाय द इन्वेस्टिगेटर। इसमें प्रश्नों की सूची इन्वेस्टिगेटर द्वारा भरी जाती है, उसको क्या कहते हैं हम? अनुसूची। फोर्थ मेथड लिखें क्वेश्चनेयर या प्रश्नावली। इसमें प्रश्नों की सूची सूचनादाता रेस्पोंडेंट द्वारा भरी जाती है। लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस फिल बाय द रेस्पोंडेंट। आपके अकॉर्डिंग इन दोनों में से कौन सी ज्यादा बेटर मानते हैं अपन? क्वेश्चनेयर ज्यादा बेटर है या शेड्यूल ज्यादा बेटर है? शेड्यूल ज्यादा बेटर है या क्वेश्चनेयर? क्यों ज्यादा बेटर है, क्या लगता है आपको? देखिए उसके दो आंसर्स हैं। इन दोनों में हम शेड्यूल को क्वेश्चनेयर से ज्यादा बेटर मानते हैं। उसके दो रीजन है। एक रीजन, मे बी योर रेस्पोंडेंट इज इलिटरेट। आपका जो भरने वाला है वो बिना पढ़ा लिखा है, तो आपको कैसे लिख के देगा वो? आप गांव में भरवाने गए और गांव में जब आपको उसने आपने दिया परिवार को, वो तो पढ़ा लिखा ही नहीं है। जब पढ़ा लिखा नहीं है तो वो भर के कैसे देगा? देगा क्या? नहीं देगा। यदि आपका जो रेस्पोंडेंट है वो निरक्षर है, बिना पढ़ा लिखा, एक रीजन। तो दूसरा रीजन, जब आपने उसको फॉर्म पकड़ा दिया, इसका मतलब वो जवाब कौन लिख रहा है? रेस्पोंडेंट लिख रहा है। जैसा वो क्वेश्चन समझेगा वैसे ही आंसर दे देगा। हो सकता है वो क्वेश्चन को प्रॉपर वे में समझे ही नहीं। जब क्वेश्चन को समझेगा ही नहीं तो चाहे समझा चाहे नहीं समझा, उसने तो आंसर लिख दिया। अब आपको नहीं पता, आपने तो पूछी मुखिया की इनकम क्या है, उसने समझा परिवार की इनकम क्या है, उसने परिवार की इनकम लिख दी। या आपने तो पूछा परिवार की इनकम क्या है, उसने समझा मुखिया की इनकम क्या है, तो लिख दिया। तो जब तक, यदि आप उससे क्वेश्चन टू क्वेश्चन पूछ रहे होंगे तो आप पूछेंगे परिवार की इनकम, यदि उसके दिमाग में कोई कंफ्यूजन होगा तो आपसे पूछ लेगा, इन्वेस्टिगेटर से पूछ लेगा। और यदि उसको ही भरना है तो अपनी इच्छा से कुछ भी भर देगा। उस केस में वो मिस इंटरप्रेट भी कर सकता है, क्वेश्चन को गलत तरीके से समझ सकता है। तो इसका मीनिंग, इन दोनों में हम ज्यादा बेटर कौन सा मानते हैं?
अनुसूची प्रश्नावली की तुलना में ज्यादा अच्छी है। लिखना एक पॉइंट, अनुसूची प्रश्नावली की तुलना में बेहतर है, या हम इसको प्रेफरेंस देंगे। किसको प्रेफरेंस दोगे आप? अनुसूची को। शेड्यूल इज बेटर देन क्वेश्चनियर, शेड्यूल इज बेटर देन क्वेश्चनियर, या वी विल गिव द प्रेफरेंस ऑफ शेड्यूल टू क्वेश्चनियर। ये वाली बात सबके क्लियर? अब मैं एक बार वो पांचवा मेथड है, फिर जो क्वेश्चन आए उस पर डिस्कस करते हैं। दूसरा मेथड, पहला मेथड तो हमने बात की कौन सी विधि थी, डेटा कलेक्शन की प्रत्यक्ष विधि। ये जो डिस्कस कर रहा था मैं, प्रत्यक्ष विधि डिस्कस कर रहा था। एक अप्रत्यक्ष विधि, इनडायरेक्ट, इसमें सूचना अन्य व्यक्ति से कलेक्ट की जाती है। जिसकी इंफॉर्मेशन है उसी से कलेक्ट नहीं करते, किससे कलेक्ट करते? अदर पर्सन से कलेक्ट करते। इसमें सूचना अन्य व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति से एकत्रित की जाती है। वी कलेक्ट द इंफॉर्मेशन टू अदर पर्सन। जैसे देखिए, सिंपल सा एग्जांपल है, मेरे घर पे कोई आए और मेरे से पूछता है इनकम क्या है आपकी, कॉलम में क्या पूछता है, इनकम क्या है, तो क्या बताऊंगा मैं? एक्चुअल इनकम बता दूंगा उसको क्या? आप बता देते हैं? नहीं बताएंगे। क्या कहेंगे? बस यार खर्चा पानी चल रहा है। क्या कह देते हैं? खर्चा पानी। या एक्चुअल इनकम डिस्क्लोज नहीं करते। मेरे से घर आके कोई पूछे दारू पीते हो क्या आप सर्वे करने आया कोई, बोले आपके घर में कितने लोग हैं जो वाइन शराब पीते हैं और ऐसे कितने लोग हैं जो सिगरेट पीते हैं, आंसर मिलेगा कि सही? नहीं मिलेगा। कैसे आंसर मिलेगा? इनडायरेक्ट है। किसी से एज पूछी जाए, एज पूछी जाए तो एज का आंसर सही मिलेगा या गलत मिलेगा? गलत। ऐसे ही तो इसका मतलब इनकी, इन सोर्सों का, इनका डेटा मैं कहां से लूंगा? इनडायरेक्ट वे में कलेक्ट करूंगा। आप गांव में जाते हैं, गांव में कोई इन्वेस्टिगेटर गया तो देखिए उसे गांव की इंफॉर्मेशन लेनी है। एक तरीका तो है वो डायरेक्ट सबके पास जाए, और एक गांव में तीन चार व्यक्ति ऐसे होते हैं उससे गांव के पूरी इंफॉर्मेशन ले लीजिए, काम ही ये होता है उसके पास। एक तो आपके ग्राम सेवक, जो आप ग्राम विकास अधिकारी हो गया, उसको पूरे गांव की जनरल वे में इंफॉर्मेशन रहती है। परिवार में भाई नौकरी करते हैं क्या लोग, इसके परिवार में क्या है, इसकी आय का साधन क्या है, सरकारी नौकरी में है कि नहीं, कितने बच्चे हैं, कितनों की शादी हुई, जनरल वे में। एक तो ग्राम सेवक, पटवारी, ये जनरल, गांव का बुजुर्ग हुआ वो भी बता देता है। एक ऐसा जो गांव में छोरा है जो सुबह से शाम तक घूमते रहते हैं, कोई काम नहीं है, सुबह घर से निकल जाते हैं चाय वाय पी के, यहाँ बैठे आधे घंटे, यहाँ बैठे आधे घंटे, यहाँ बैठे, उससे आप पूरे गांव की इंफॉर्मेशन ले लो, अपडेट बिल्कुल। बूढ़े के पास तो हो सकता है फिर भी पुरानी हो, पर जो ये छोरे घूमते हैं लड़के, उनसे बिल्कुल अपडेट इन्फॉर्मेशन ले लो कि अभी आज ही क्या घटा है गांव में, नई लेटेस्ट न्यूज क्या है, तो वो आपको तुरंत बता देगा आज के लेटेस्ट न्यूज ये है। ठीक है, तो ये कौन सा मेथड हुआ? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में हमने उस व्यक्ति के पास गए भी नहीं, हमने पूछा भी नहीं कि उनके, उसके परिवार में कितने कमाने वाले हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने दारू पीते हैं, कितने सिगरेट पीते हैं, पर सारी सूचना हमने कलेक्ट कर ली। ये कौन सा मेथड है? इनडायरेक्ट। जैसे अपन शादी के लिए लड़की के बारे में पता कराते हैं या लड़का के बारे में पता कराते हैं, एक सूचना तो डायरेक्ट जिनसे शादी होनी है उनके परिवार से पूछा, एक हम दूसरे परिवार से पूछते हैं जो उनका जानकार होता है और हमारा भी जानकार होता है, तो इन्फॉर्मेशन कैसे ली हमने? इनडायरेक्ट। तो बात क्लियर है, जो इन्फॉर्मेशन हमें सीधे नहीं मिलती, डायरेक्ट मिलती तो है पर सही नहीं मिलती, उसकी सूचना हम कैसे कलेक्ट करते हैं? इनडायरेक्ट मेथड से कलेक्ट करते हैं। बात क्लियर? कुछ सूचनाएं जब हम क्वेश्चनियर बनाएंगे तो कुछ सूचनाएं ऐसी होंगी जो डायरेक्ट सही मिलेंगी, भाई परिवार में कितने बच्चे हैं, तो
किसी के साथ जाओगे किसी के परिवार में, तो वो तो ये तो बता देगा कितने बच्चे हैं। ये तो कोई ऐसा काम नहीं है कि जिसको वो डिस्क्लोज नहीं कर सके, और कुछ इंफॉर्मेशन होंगी जो नहीं बताएगा, तो उसके लिए हमें कौन सा मेथड काम में लेना पड़ेगा, इनडायरेक्ट मेथड। क्लियर? अब इसमें जो आपसे इस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल वे में, इसके और इसके क्वेश्चन आए, पहले भी आए और अभी भी आए, तो मैं एक बार क्वेश्चन लिखाता हूं। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, पहला क्वेश्चन लिखिए, ये आपके कंप्यूटर के पेपर में आया हुआ है। क्वेश्चन है, देखो प्रश्नों की ऐसी सूची, क्वेश्चन लिखिए, प्रश्नों की ऐसी सूची जिसका प्रयोग अनुसंधानकर्ता द्वारा, प्रश्नों की ऐसी सूची जिसका प्रयोग अनुसंधानकर्ता द्वारा क्षेत्र में जाकर किया जाता है। इंग्लिश में लिखिए, इज ए सीक्वेंशियल लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, इज ए सीक्वेंशियल लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस विच इज यूज्ड बाय द रिसर्चर, विच इज यूज्ड बाय द रिसर्चर हिमसेल्फ टू कलेक्ट द डेटा फ्रॉम द फील्ड, इज ए सीक्वेंशियल लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस विच इज यूज्ड बाय द रिसर्चर हिमसेल्फ टू कलेक्ट द डेटा फ्रॉम द फील्ड। पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन है प्रश्नावली, पहला ऑप्शन है प्रश्नावली, इंग्लिश में क्वेश्चनियर, क्वेश्चनियर, प्रश्नावली। दूसरा ऑप्शन देखिए, शेड्यूल, अनुसूची, अनुसूची। तीसरा ऑप्शन, वो कह रहा है अवलोकन, हिंदी में बोल रहा है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन। और फोर्थ ले रहा है इंटरव्यू, साक्षात्कार। इंटरव्यू, साक्षात्कार, क्या लगता है? ये आपका 2018 में आया हुआ है क्वेश्चन, सबऑर्डिनेट बोल में कंप्यूटर में जो कराया हुआ था उस पेपर में आया हुआ है। आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर है? क्या है? शेड्यूल। यदि आप वैसे, इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, इसमें कहीं ये नहीं लिखा कि वो खुद कलेक्ट कर रखा है, इंग्लिश में पढ़ेंगे तो लिख रखा है, इंग्लिश और हिंदी में डिफरेंस है। जब इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो वो लिख रहा है हिमसेल्फ, रिसर्चर कलेक्ट द डेटा हिमसेल्फ। यदि इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो ये क्लियर हो रहा है, पर हिंदी में ये क्लियर नहीं हो रहा। हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा डिफरेंस है इस क्वेश्चन की। मैंने हिंदी और इंग्लिश वही लिखाई है जो पेपर में आई है, पर इसका आंसर क्या है सही? शेड्यूल, अनुसूची। मैंने बताया था जो इन्वेस्टिगेटर है वो खुद भरे तो क्या कहलाती है वो? आपकी अनुसूची। और जो रेस्पोंडेंट है वो भरे तो क्या कहलाएगी? क्वेश्चनियर। दूसरा क्वेश्चन लिखें, प्राथमिक समंकों के संग्रह की रीति है। क्वेश्चन लिखें, प्राथमिक समंकों के संग्रह की रीति है। द मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा इज, द मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा इज, पहला ऑप्शन लिखें ए,
प्राथमिक समंकों के संग्रह की रीति है। द मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा इज, पहला ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन इंटरनेशनल पब्लिकेशन। दूसरी है व्यावसायिक संस्थाओं के प्रकाशन पब्लिकेशन ऑफ बिजनेस हाउसेज, पब्लिकेशन ऑफ बिजनेस हाउसेज व्यापारिक संस्थाओं के प्रकाशन। सी है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। और फोर्थ है प्रकाशित स्रोत, फोर्थ है पब्लिश्ड सोर्स। कौन सा है प्राइमरी डेटा? पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे तो प्राइमरी डेटा को कलेक्शन के क्या मेथड है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। मैंने आपसे बात की थी कल कि जहां कहीं भी प्रकाशन होगा वो सेकेंडरी डेटा होगा, जहां कहीं पब्लिश्ड होगा वो ऑलवेज कैसा डेटा होगा, सेकेंडरी। देखिए यहां पर भी सेकेंडरी, यहां पर भी सेकेंडरी और यहां पर भी सेकेंडरी, ये कौन सा रह गया? सी, आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन लिखिए, अनुसूची द्वारा समंक एकत्रित किए जाते हैं, अनुसूची द्वारा समंक एकत्रित किए जाते हैं। कलेक्शन ऑफ डेटा बाय शेड्यूल, कलेक्शन ऑफ डेटा बाय शेड्यूल। अनुसूची द्वारा समंक एकत्रित किए जाते हैं, पहला ऑप्शन प्राथमिक समंक, ए ऑप्शन प्राइमरी डेटा, बी ऑप्शन सेकेंडरी डेटा द्वितीयक समंक, सी ऑप्शन दोनों, दोनों ए और बी, बोथ ए एंड बी, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दी एवब, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या आ जाएगा? ऑप्शन है प्राथमिक समंक ए, बी द्वितीयक समंक सेकेंडरी, सी दोनों, और डी दोनों में से कोई नहीं। तो क्या आ जाएगा? अनुसूची से कैसा डेटा कलेक्ट कर रहे हैं? प्राथमिक समंक कलेक्ट कर रहे हैं। बात क्लियर? इसमें किसी कोई कंफ्यूजन यहां तक? ये हमारा पहला पॉइंट, पहला पॉइंट मतलब हमारा जो पहला फेज था डेटा कलेक्शन का। आप इतना कर लीजिए, वो इससे ज्यादा क्वेश्चन कहीं पर भी नहीं पूछा जाता। पूछा जाता है तो क्वेश्चनेयर और शेड्यूल के अलावा क्वेश्चन कहीं नहीं आता। आप बहुत सारी चीजें पढ़े, उसका कोई मीनिंग नहीं है। यहां तक पढ़ लें सफिशिएंट है, ठीक है। अब हम दूसरे पेज की बात करते हैं। पहला स्टैटिस्टिक्स के लिए हमने पहला क्या बताया, डेटा का कलेक्शन करें। दूसरा क्या बताया, क्लासिफिकेशन। हेडिंग डालें क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। हेडिंग डाल दीजिए वर्गीकरण। तो पहले तो सबकी बात क्लियर होनी चाहिए, वर्गीकरण कब किया जाता है? वर्गीकरण कब किया जाएगा? जब डेटा कलेक्शन का काम आप पूरा कर लेंगे, आफ्टर कलेक्शन वर्गीकरण क्लासिफिकेशन किया जाएगा। वर्गीकरण क्लासिफिकेशन, जो वर्गीकरण है
वो कब होगा, जब डेटा आप कलेक्ट कर लेगे, डेटा कलेक्शन का काम जब कंप्लीट हो जाएगा उसमें हम सेकंड फेज में जाएंगे वर्गीकरण। तो वर्गीकरण, पहला क्वेश्चन ये वर्गीकरण होता क्या है, पहला काम तो हमने बताया कि ये काम कब करेंगे हम, जब डेटा का कलेक्शन कर लेंगे तो हम वर्गीकरण पे जाएंगे। और दूसरा क्वेश्चन, ये वर्गीकरण होता क्या है, क्या होता है, हमने डेटा इकट्ठा किया, कल भी मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, डेटा इकट्ठा कर लिया मैंने, पूरे राजस्थान के लोगों की इनकम निकालनी है मुझे, एवरेज इनकम, तो मैंने पूरे राजस्थान के लोगों का डेटा, मान लीजिए राजस्थान में कितने लोग होंगे, कितने होंगे आपके अकॉर्डिंग, क्या जनसंख्या राजस्थान की है, 7-7.5 करोड़ के करीब है, कितनी है, 7.5 करोड़। तो 7.5 करोड़ का डेटा मान लीजिए मैं इकट्ठा करके रखूं, तो ऐसा तो है नहीं कि 2 पेज में आ जाएगा, 3 पेज में आ जाएगा, बड़ा डेटा होगा कि नहीं। अब मैं आपसे पूछूं, उस डेटा में ऐसे कितने लोग हैं जिनकी पर मंथ इनकम 5 लाख से ज्यादा है, तो जब आप 7.5 लाख डेटा को खंगाल के देखोगे तो टाइम तो लगेगा कि नहीं लगेगा, आपको 2 दिन लगे, और 2 दिन बाद जवाब दिया आपने कि सर 5,000 लोग ऐसे हैं या 10,000 लोग ऐसे हैं जिनकी पर मंथ इनकम 5 लाख से ज्यादा है, तो यार मैंने कहा इतना, ऐसे कितने लोग हैं जिनकी इनकम 1 लाख से ज्यादा है, तो आपने कहा सर मुझे तो 5 लाख से ज्यादा निकाली थी, 1 लाख से दोबारा करने लगे। तो इसका मतलब जो डेटा हमें मिला है वो रॉ डेटा है, उसको जो सिस्टमेटिक जमाना है, अरेंज करना है, उस चीज को हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन। जैसे आपके नोट्स बिखरे हुए हैं आप देखते हैं, आपका अपना अलमारी संभालते हैं, अलमारी संभाली तो आपने बुकें एक दूसरे में बिखरी पड़ी हैं, अब आप संभाल के क्या कर देते हैं, स्टैटिस्टिक्स की सारा मटेरियल एक साइड कर देते हैं, इकोनॉमिक्स का एक साइड कर देते हैं, जीके का। तो ये जो अरेंज किया है ये क्या है, बेसिकली क्लासिफिकेशन। तो लिखिए क्लासिफिकेशन क्या है, हाँ प्राइमरी का होता है और सेकेंडरी का भी कर सकते हैं, यदि मुझे कुछ क्लास बनानी है, मेरे पास सेकेंडरी डेटा अवेलेबल है, मेरे पास बुक अवेलेबल है, मान लीजिए इकोनॉमिक रिव्यू, अब इकोनॉमिक रिव्यू में से कैसा इकोनॉमिक रिव्यू, सेकेंडरी डेटा है, अब उसमें से मुझे कुछ पर्टिकुलर चीजें लेनी है तो आप उसको लेंगे, हाँ तो वो सेकेंडरी में भी हो सकता है, प्राइमरी में भी हो सकता है, सेकेंडरी में भी हो सकता है, हाँ इसमें लिखें, इसमें संकलित समंकों को, संकलित समंकों को समान गुणों के आधार पर, समान गुणों के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित करना, विभिन्न वर्गों में विभाजित करना वर्गीकरण कहलाता है, वी डिवाइड द डेटा, वी डिवाइड द डेटा इन डिफरेंट ग्रुप्स, वी डिवाइड द डेटा इन डिफरेंट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू, according to common characteristics, according to common characteristics it is called classification, it is called classification, we divide the data in different group according to common characteristics it is called classification। ये जो क्लासिफिकेशन है हमने क्या किया, कुछ समान गुण होने चाहिए उसके अनुसार बांट रहे हैं, जैसे मैंने स्टैटिस्टिक्स बांटा तो एक गुण लिया ना, स्टैटिस्टिक्स के अनुसार अलग किया, इकोनॉमिक सब्जेक्ट है उसके अनुसार अलग लिया। तो ये जो डिवाइडेशन है, ये वर्गीकरण है, ये 4 तरह से करते हैं, ये क्लासिफिकेशन है, ये 4 तरह से करते हैं, कैसे कैसे करते हैं,
एक लिखिए क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक, मात्रात्मक वर्गीकरण, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। एक कहते हैं क्वालिटेटिव, गुणात्मक, गुणों के अनुसार, क्वालिटी के अनुसार। तीसरा लिखें ज्योग्राफिकल, भौगोलिक, स्थान के अनुसार। क्लास में बैठे हैं या जयपुर डिस्ट्रिक्ट का अलग ग्रुप बना दिया, अजमेर का अलग, भीलवाड़ा का अलग, इस तरह। तो मैंने जगह के अनुसार किया, वो कौन सा होगा? ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। या मैंने पढ़ाई के अनुसार, इंटेलिजेंट जो हैं भाई, जिनकी 80% से ज़्यादा है उनका एक ग्रुप, 70 से 80 का एक ऐसा ग्रुप बनाए, तो वो क्वालिटेटिव, गुणों के अनुसार, नंबर के अनुसार, कोई नंबर ले लें, मात्रा या नंबर उसके अनुसार। एक है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, काल क्रम अनुसार। मैंने ग्रुप बनाए कि जिन की डेट ऑफ बर्थ 1995 है उनका एक ग्रुप, 1996 वालों का एक ग्रुप। तो ये जो डिवाइडेशन है वो किसके अनुसार है? टाइम, समय के अनुसार। तो ये डिवाइडेशन किसके अनुसार होता है? समय या टाइम के अनुसार जो डिवाइडेशन होता है वो क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जो स्थान के अनुसार, प्लेस के अनुसार हो, वो भौगोलिक क्लासिफिकेशन। जो गुण, क्वालिटी या गुण के अनुसार, क्वालिटी, क्वालिटी देख लीजिए, ऑनेस्टी, ब्यूटी, इंटेलिजेंसी, ये क्वालिटी मानते हैं हम। ये मात्रा के अनुसार, क्वांटिटी के अनुसार। ये क्वांटिटी, क्वालिटी, प्लेस और टाइम। टाइम के अनुसार किसी डेटा को बांटा जाए तो वो कौन सा कहलाएगा? टाइम के अनुसार किसी डेटा को बांटा जाए तो क्रोनोलॉजिकल। यदि स्थान के अनुसार किसी डेटा को बांटा जाए तो ज्योग्राफिकल। गुणों के अनुसार किसी डेटा को बांटा जाए तो क्वालिटेटिव, गुणात्मक वर्गीकरण कहलाता है। इससे ज्यादा बात नहीं करता आपसे इसमें, है ना। अब हम बात करते हैं कि जो हम जो डेटा को, आपने देखा होगा, सीरीज पढ़ी होंगी आपने, श्रेणियां पढ़ी हैं, सबने पढ़ी है, 10th क्लास में पढ़ी है, बहुत पहले पढ़ ली, पढ़ी ना। डेटा को हमने डिवाइड किया, वर्गीकरण किया, ग्रुप बनाए उनके। इसी में लिखें, अगला हेडिंग लिखें मात्रात्मक वर्गीकरण की श्रेणियां। सीरीज ऑफ क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। जनरल वे में हम डेटा को 3 टाइप की सीरीज में बांटते हैं। सबने पढ़ी है आपने, कौन कौन सी सीरीज? एक तो व्यक्तिगत सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज पढ़ी ना, एक पढ़ी डिस्क्रीट सीरीज, खंडित श्रेणी, एक कंटिन्यूअस, एक पढ़ी हमने व्यक्तिगत सीरीज, पढ़ी व्यक्तिगत सीरीज, एक सीरीज लिखिए इंडिविजुअल सीरीज। व्यक्तिगत श्रेणी, एक पढ़ी खंडित श्रेणी, डिस्क्रीट खंडित, इसको असतत भी बोलते हैं। डिसकंटिन्यूअस, असतत श्रेणी,
तीसरी है आपकी कंटिन्यूअस सीरीज, सतत सरणी। देखिए इसमें से कैसे क्वेश्चन पूछता है, पहले इसको बात कर लेते हैं, फिर इसमें से कैसे क्वेश्चन पूछता है उस पर डिस्कस करते हैं। व्यक्तिगत सीरीज क्या हुई, डेटा को इंडिविजुअली प्रेजेंट किया जाता है जब डेटा को व्यक्तिगत रूप से प्रेजेंट किया जाए। जैसे आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट हैं, हर स्टूडेंट का मैं नाम लिखूं और उनमें नंबर लिखूं। मान लीजिए मैं एक टेस्ट लेता हूं, हर स्टूडेंट ने कितने मार्क्स आए, एक 20 नंबर का एक पेपर लिया और मैंने 20 नंबर में से 100 स्टूडेंट ने कितने मार्क्स प्राप्त किए वो प्रेजेंट करूं, तो कैसी सीरीज होगी, इंडिविजुअली हर स्टूडेंट का डेटा मैंने शो किया। लिखो इसमें, लिखिए इसमें समांकों को व्यक्तिगत रूप से, इसमें समांकों को व्यक्तिगत रूप से प्रदर्शित किया जाता है। इट रिप्रेजेंट दी डेटा, इट रिप्रेजेंट दी डेटा इंडिविजुअली, इट रिप्रेजेंट दी डेटा इंडिविजुअली। इसी में लिखे आगे, इसमें फ्रीक्वेंसी, इसमें आवृत्ति काम में नहीं ली जाती, इसमें आवृत्ति काम में नहीं ली जाती। इट इज नॉट यूज्ड फ्रीक्वेंसी, इट इज नॉट यूज फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति नहीं होती, सिर्फ चार होता है, जैसे नेम ए बी सी डी जो भी हैं, ये आपके मार्क्स 15, 18, 12, 6, इसको बोलते हैं हम एक्स चर, तो इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती। इंडिविजुअली प्रेजेंट करेंगे डेटा को, एक्स ही चर होगा, फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। अब मैंने कहा कि मान लीजिए, मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको कि 20 नंबर का मैंने पेपर लिया और 100 स्टूडेंट थे, अब मैं इसको ऐसे प्रेजेंट कर दूं, कितने नंबर थे 20 नंबर, कितने थे 20, अब उनकी फ्रीक्वेंसी, आपकी क्लास में 0 नंबर कितनों के आए, मान लीजिए 2 स्टूडेंट ऐसे थे जो 0 नंबर मिले 100 में से, टोटल स्टूडेंट कितने थे क्लास में 100। एक तरीका तो था, मैंने हर स्टूडेंट के मार्क्स अलग अलग प्रेजेंट किए, वो कौन सी सीरीज थी, इंडिविजुअली सीरीज। एक ऐसे है कि 0 मार्क्स कितनों को मिले, 2 को, 1 मार्क्स 5 को, 2 मार्क्स 8 को, ऐसे मैंने डेटा लिखा 3 को, ये टोटल कितना होना चाहिए 100, ये प्रेजेंटेशन है, इसमें फ्रीक्वेंसी भी आई, तो कौन सी सीरीज कहलाएगी ये, तो कौन सी सीरीज है ये, खंडित सीरीज। तो खंडित सरणी क्या हुई, जिसमें चर को गिना जा सके, जिसमें चर को क्या किया जा सके, गिना जा सके। खंडित सरणी कैसी सरणी होगी, जिसमें जो चर है वेरिएबल है उसको काउंट किया जा सके। परिवार में सदस्यों की संख्या गिन सकते हो कि नहीं गिन सकते, क्लास में स्टूडेंटों की संख्या गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते, परिवार की इनकम काउंट कर सकते हैं, इनकम होगी वो जनरली ग्रुप में होगी, 1000 तक, 2000 तक, 5000 तक, 10000 तक, तो वो उसको नहीं गिन पाएंगे, तो जहां का हम काउंट कर सकते हैं तो वो कौन सी श्रेणी कहलाएगी आपकी, खंडित श्रेणी। लिखिए जिसमें चरों को गिना जा सके, खंडित श्रेणी में हेडिंग डालिए, लिखिए जिसमें चरों को गिना जा सके, इफ वेरिएबल इज काउंटेबल, इफ वेरिएबल इज काउंटेबल देन सीरीज इज डिस्क्रीट सीरीज, इफ वेरिएबल इज काउंटेबल देन सीरीज इज डिस्क्रीट सीरीज। इसमें क्या होगी, आवृत्ति भी होगी, इसमें चर के साथ साथ आवृत्ति भी होती है, इसमें चर के साथ साथ आवृत्ति भी होती है,
इट कंटेन वेरिएबल्स एंड फ्रीक्वेंसी। इसका ये एग्जाम्पल एक ये उतारिए, ये उतार लीजिए, और दूसरा एग्जाम्पल में ऐसे लिख लीजिए, परिवार में सदस्यों की संख्या। क्लास में विद्यार्थियों की संख्या। जहां आप एक दो तीन चार पांच ऐसे काउंट कर सकें वो डिस्क्रीट सीरीज होगी, ध्यान रखें। जहां आप काउंट कर सकें वो डिस्क्रीट सीरीज होगी। क्या कह रहे हैं? वो भी आ रहे हैं, एक एक बार आगे बात करने दें, पहले जहां चल रहे हैं वहां तो चलो यार, हैं? अब तीसरी बात, यहां तक सबके क्लियर? पहले ही बात सिर्फ एक्स हो वो इंडिविजुअल सीरीज, दूसरी बात जिसमें एक्स काउंटेबल हो वो कौन सी सीरीज? खंडित श्रेणी। तीसरी बात, यदि जो एक्स है वो रेंज में है, लिमिट में दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है? लिमिट, इंटरवेल में दिया हुआ है, तो कौन सी सीरीज है वो? कंटिन्यूअस। तीसरी लिखें, सतत श्रेणी। इसमें चर अंतराल में कंटिन्यूअस सीरीज। इसमें चर अंतराल में होते हैं, इन वेरिएबल्स आर लिमिट और इंटरवल, वेरिएबल्स आर लिमिट और इंटरवल, तो सीरीज कैसी होगी? सतत श्रेणी। इसमें भी आवृत्ति होगी, एक्स के साथ क्या होगी? आवृत्ति। इट कंटेन फ्रीक्वेंसी, ये दो तरह की होती है कंटिन्यूअस सीरीज। अब आपको क्वेश्चन वो ज्यादातर इसमें से पुट करता है, दो तरह की सीरीज है, एक होती है इनक्लूसिव और एक एक्सक्लूसिव। इसको बोलते हैं हिंदी में अपवर्जी, उल्टा लिख रहा, इसको बोलते हैं हम इंक्लूसिव, समावेशी, ठीक है? इसका नाम है समावेशी, है ना, और इसका नाम है अपवर्जी। देखिए, यदि डेटा ऐसे हो 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, तो सीरीज आपकी समावेशी है। कैसी है? समावेशी। इसकी दोनों लिमिट इसी में इंक्लूड हो रही है, इस इंटरवल में। और यदि सीरीज ऐसे हो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 1, 3, 8, 6, 4, देखिए 10 यहां पे भी आ रहा है और यहां पे भी आ रहा है, दोनों जगह आ रहा है 10, पहले वाली लिमिट में भी आ रहा है और दूसरी वाली लिमिट में भी आ रहा है। इसे 10 को कहां इंक्लूड करें?
जब आप अपवर्जी देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव देख रहे हैं, तो 10 दो जगह दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है, एक अपर लिमिट पे और एक नेक्स्ट वाले की लोअर लिमिट पे। तो इस 10 को कहां इंक्लूड करें? नेक्स्ट वाली में इंक्लूड करें, यहां पे इंक्लूड नहीं करें। तो ये दिखाई तो दे रहा है पर मां है नहीं। आप, यू आर दी एक्स स्टूडेंट इन योर कॉलेज, आपका नाम तो बोर्ड पे लिखा है पर मां पे आप प्रेजेंट नहीं है। कहां चले गए आप? अगली क्लास में। आप कहां चले गए? नेक्स्ट क्लास में चले गए। आप जब 10th में थे तो आप 11th क्लास में बैठे और 10th की रजिस्टर में हो रहे हैं अभी भी। ऐसे ही जब आप कॉलेज में पहुंचे तो आपके स्कूल में आपके बोर्ड पे नाम लिखा है आपका, पर आप प्रेजेंट कहां हैं? कॉलेज में। इसीलिए क्या बोलते हैं? यू आर दी एक्स स्टूडेंट इन योर स्कूल, यू आर द एक्स स्टूडेंट इन योर कॉलेज। आप मां प्रेजेंट नहीं है, आगे चले गए। तो क्या कहेंगे? एक्सक्लूसिव सीरीज। यदि अपर एक इंटरवल की अपर लिमिट दूसरे नेक्स्ट इंटरवल की लोअर लिमिट के बराबर हो तो श्रेणी कैसी कहलाएगी? एक्सक्लूसिव। यदि उस वर्ग की दोनों सीमाएं उसी वर्ग में शामिल की जाएं, 9 आ रहा है तो भी यहां लें, 0 आ रहा है तो यहां ही लें, दोनों सीमाएं शामिल किए जाएं तो कौन सी श्रेणी कहलाएगी? समावेशी। कल डिस्कस करेंगे इसमें नेक्स्ट। आज अपन ने डिस्कस किया डेटा का कलेक्शन। डेटा का कलेक्शन हमने 5 तरीके से किया, मेनली एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। फिर अपन ने बात की जो डेटा कलेक्ट किया था उसका हमने क्या किया? क्लासिफिकेशन। क्या होता है क्लासिफिकेशन? डेटा का जो कलेक्ट किया था उनको समान गुणों के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा, इसको हम क्या कहते हैं? वर्गीकरण। उसके बाद मैंने बताया वर्गीकरण 4 तरह का होता है, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, ज्योग्राफिकल और क्रोनोलॉजिकल। यदि डेटा को मात्रा के अनुसार, क्वांटिटी के अनुसार निकाला जाए तो मात्रात्मक, क्वालिटी के अनुसार तो गुणात्मक, टाइम के अनुसार तो क्रोनोलॉजिकल और प्लेस के अनुसार तो ज्योग्राफिकल। कल इससे आगे अपन डिस्कस करेंगे, एक पॉइंट इसमें डिस्कस करना है, फिर आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है एनालिसिस उसको डिस्कस करेंगे। ओके, किसी को कोई